देखें जी ये कितना बड़ा थिएटर है। जब को मैं दिखाता हूँ इस थिएटर की विशेषता। देखें आप कितना बड़ा ये थिएटर है और दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे बाय टीटी। मैं त्रिभुवन नॉर्वे ओस्लो से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हिंदू सभ्यता का एक बहुत बड़ा दिन और आज जो है हमारा नया साल की शुरुआत भी हो रही है और विक्रम संवत 79 संवत्सर ये शुरू हो रहा है और आज का ब्लॉग की शुरुआत उसी से हो रही है। दिन की बेहतरीन शुरुआत और नवरात्रा की शुरुआत, हमने भी नवरात्रा की छोटी सी पूजा करते हैं और दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय हैं उनका हम पाठ करते हैं 9 दिन। तो आज पहला अध्याय हमने ख़त्म किया है। यहीं से आज की ब्लॉग की शुरुआत और आप सबको जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, उन सबको इस नए हिंदी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप भी जो है नवरात्रि मनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक संकल्प लें आज के दिन कि आप जो है अपने विचारों की शुद्धता की तरफ ध्यान दें। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत है। बहुत कुछ होने वाला है पूरे दिन में। आज मेरा जो है स्पिरिचुअल टॉक का वीकली शो, जो क्वार्टरली शो आता है मेरा 15 दिन के बाद, वो आज है और उसका जो मैं लिंक है वो नीचे दे दूंगा। लेकिन बाकी जो है इस ब्लॉग में आपको अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हम खाते हैं और मैडम क्या क्या उत्तराखंड की किचन में बनाती हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और उधर रिधिमा का, जैसा कि पिछले हफ्ते बर्थडे था 30th को, तो आज अपने दोस्तों के साथ उसने जो पार्टी उसने प्लान करी थी उस दिन नहीं था इतना टाइम, तो आज वो गई है, तो उसके भी क्लिप आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी पूरे दिन में होता है वो सारी चीज़ें आपको ये ब्लॉग में देखने को मिलेगी। बस इसी के साथ आप बने रहिए ब्लॉग में और आप भी चैत की नवरात्रा को मनाने में व्यस्त रहें, मनाएं और स्वस्थ रहें और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो जी शोभा जी की किचन में देखो आज बनी है आलू मटर टमाटर की सब्जी और रोटी। शोभा जी बताएं क्या बनाए, ऐसे बोलो। रोटी सब्जी। रोटी सब्जी तो बनी है लेकिन कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो? व्रत है ना, व्रत में क्या बनाते हैं नवरात्रि में? नवरात्रि में वैसे तो लोग फलाहार करते हैं, पर हमारे उत्तरांचल में तो मतलब कुछ लोग फलाहार करते हैं या कुछ लोग मतलब पूरा खाना भी खाते हैं, तो हम लोग तो खा लेते हैं अनाज भी। तो हम लोग लेकिन सिर्फ सिंपल रोटी और सब्जी खाते हैं, या कभी मीठा बनाने का मन है तो हम हलवा खीर ऐसा कुछ एडिशनल बना सकते हैं। ओके। पर आज तुम लोग का मूवी का प्लान है तो शायद। हाँ, तो ये जी आलू मटर की तरी वाली सब्जी और ये हमारी रोटी। रोटी के अंदर ये रोटी में भी कुछ मिलाती हैं, क्या मिलाते हैं वही रोटी में? फ्लैक्स सीड, अलसी के दाने, उनको रोस्ट करके उनको हल्का सा ग्राइंड कर लो और कोर्स थोड़ा सा मतलब पतला नहीं करना है, बहुत मोटा मोटा पीस के उसको और फिर उसको आटे में मिला लो, हो गया ओमेगा 3 का वीगन लोगों के लिए सोर्स। ओके। जो लोग नहीं खाना, तो भैया नवरात्रि के पहले दिन पर ये टिप्स है, अलसी के दाने मिला के खाओ तो ये हम हमेशा ही डालते हैं वैसे आटे में, मतलब मैं तो मल्टीग्रेन आटा और ये दाने दोनों डालती हूँ, बट सिंपली लोग गेहूं के आटे में भी डाल सकते हैं। तो ये ओमेगा 3 मतलब वेजिटेरियन जो लोग फिश ऑयल और ये सब ओमेगा 3 को नहीं लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट सोर्स है, ओमेगा 3 के लिए अलसी के दाने। हाँ, वो लोग ये ले सकते हैं आराम से, व्रत में भी ले सकते हैं मतलब। हाँ जी, चलिए बढ़िया है जी, अब खाते हैं खाना। तो जी ये जो है अब आप देख रहे हैं तो ये मैं खाऊंगा, ये गरम गरम रोटी आ रही है और ये सब्जी है और ये मिर्च का अचार है। तो अभी थोड़ा जल्दी खा रहे हैं हम, वैसे 5 बजने वाला है और हम इतने बजे ही खाएंगे फास्ट के दिनों में। और जो है अभी हमें आज जो है ओम तिवारी को एक मूवी है, कौन सी मूवी है वो, कौन
सोनिक दी हेजॉक एक नई मूवी आ रही है। तो विवश ओम तिवारी जो है अभी जो है मूवी देखने जा रहा है। अभी ओम तिवारी खुद ही बताएगा कि ओम तिवारी का क्या प्लान है। और अभी ये रोटी खा रहा है मेरे साथ। आज हमारा जैसा कि फास्ट है नवरात्रा का, तो पहले नवरात्रा का फास्ट। और ये देखो इसको ऐसी नींद आ रही है और मूवी देखने के लिए एकदम तैयार बैठा हुआ है। अच्छा ओम बताओ कहाँ जा रहे हो, विच मूवी यू आर सपोज टू बी। इधर देखो, हाँ की What time were you born? What year were you born? तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं ओम तिवारी को जो है मूवी के लिए। आज फोन से ही शूट हो रहा है बेटा, कैमरा लेके नहीं आया मैंने, पता नहीं वहाँ जो है अंदर ले जाने में कोई दिक्कत ना करें फिल्टर में, तो मैं इसलिए इसमें ले आया हूँ। तो जी बाहर का वेदर जी, ये ओम तिवारी अपना टहलते हुए तो जी बाहर का वेदर आप देखें एकदम बढ़िया मस्त वेदर। और हम जो हैं ओम तिवारी भी निकल रहे हैं मेरे साथ। तो आज हम क्लोजियम थिएटर के अंदर मूवी देख के आएंगे। चलिए बने रहिए। ये वो थिएटर है, अब आप देखें बिल्कुल डिफरेंट तरह का ये थिएटर। और हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ओम काफ़ी एक्साइटेड है। और ये अब आप इस जो है थिएटर को थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ पास से। ओम एक मिनट होल्ड कर, ये देखें जी। और ये ओम एक्साइटेड, कम कम ओम, ये है जी वो थिएटर। और ये वन ऑफ द बेस्ट थिएटर और पॉपुलर थिएटर यहाँ पे। तो अभी हम इसमें एंटर करेंगे। तो जी मैं और ओम आ गए हैं क्लोजियम थिएटर में। और आप देखें हमें बिल्कुल पीछे एकदम बढ़िया सीट मिली हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखें जी ये कितना बड़ा थिएटर है। जब को मैं दिखाता हूँ इस थिएटर की विशेषता, देखें आप कितना बड़ा ये थिएटर है। और ये बिल्कुल एकदम सर्कल में राउंड में ये थिएटर बना हुआ है। ये देखें आप, ये सामने इसकी स्क्रीन,
और ये हमारे ओम तिवारी इंजॉय कर रहे हैं। Det var jo beskyttende. Ja, det er greit.